फ्लोर्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में ही हो रहा है और फ्लोर्स के बाद में फिर उनके बाकी के सारे डेवलपमेंट्स। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ उन्हें पेरिनियल बनाता है, एक दूसरा, इससे नई सेल्स के बनने से पुरानी सेल्स के रिप्लेसमेंट की स्पेस आती है, बिकॉज द प्लांट सेल्स आर मेड या कवर्ड बाय सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज कॉजेज नॉन मोर्टेलिटी। ठीक है, इनको अचल बना देता है। ऐसे में अगर कोई कोशिका खराब हो चुकी है, जीर्ण हो चुकी है, मृत हो चुकी है या स्केलरिड्स में बदल चुकी है, तो वो कोशिका ऐसा होने के बाद एनिमल्स में तो क्या कर दिया जाता है, पीसीडी साइकिल ऑन करके उसको डैमेज कर दी जाएगी या फिर उसको रिप्लेस करके एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। लेकिन यहाँ प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो वो सेल भी वहीं रहेगी, तो उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पर दूसरी सेल को क्या किया जाता है, बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर अपन कहें तो नॉन मोर्टेलिटी के कारण जो मृत कोशिका है, जो खराब कोशिका, वो भी वहीं रहेगी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी टिश्यूज की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इन सारी कैटेगरीज के बेस पे हम जो प्लांट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में यहाँ पे बांट लेते हैं। फर्स्ट इज क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से अपुष्पोद्भिद, और एक होते हैं फेनेरोगेम्स। इनको हम पुष्पोद्भिद या फ्लोरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोगेम्स को अपुष्पोद्भिद। ठीक है, नॉन फ्लोरिंग। क्रिप्टोगेम्स की अगर अपन बात करें तो क्रिप्टोगेम्स में हम यहां पे कैटेगरी जो है वो यहां पे ले सकते हैं, जैसे कि लोअर सेल डिवीजन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। लोअर सेल डिवीजन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन, इनमें सेल डिवीजन भी सामान्य प्रकार का होगा, ठीक है, कम हुआ क्योंकि इनके थैलस कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, और जो टिश्यूज हैं वो क्या है, डिफरेंशिएशन इनमें कम होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटर या क्या बोलते हैं फास्ट सेल डिवीजन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम यहां पे ला सकते हैं वही जो हमने पॉइंट्स अभी डाले, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर अपन कहें तो सेकंड पॉइंट हमारे यहां जाएगा कि प्लांट बॉडी लैक ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। यहां अगर अपन कहें तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम
and leaves. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नो वैस्कुलर, सिस्टम या ऑर्गन्स, डेवलप्ड। इसमें हम कह सकते हैं वैस्कुलर सिस्टम डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, नो फ्लॉर फ्रूट एंड सीड्स, जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट है फ्लॉर फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। अब इसमें अगर अपन एग्जाम्पल्स ले, डेवलपमेंट स्टेज के बेस पे है यूनिक फीचर में, तो हमने यहाँ पे जो कैटेगरीज बांटी है, लोअर क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स, तो यहाँ पे अपुष्पोद्भिद पुष्पोद्भिद, तो अपुष्पोद्भिद में हम यहाँ पे बांट रहे हैं फर्स्ट स्टेज वो इथेलोफाइट्स, ठीक है, थैलोफाइट्स, और थैलोफाइट्स में आ जाते हैं थैलस लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आ जाती हैं पूरी एल्गीज, ठीक है, एक तरीके से न्यू है। सेकंड इज ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद में हम यहां पे ऐड कर सकते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, टेरिडोफाइट्स प्लांट्स आर एबल टू डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, दे कैन बियर द स्टेलर सिस्टम, इसलिए हम उसमें कह सकते हैं कि वैस्कुलर सिस्टम्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, प्रथम है। दूसरा, उनके अंदर वेसल्स नहीं है, तो वो तो जिम्नोस्पर्म्स में भी नहीं है, वेसल्स आर द मेन क्या बोलते हैं अप्रोच ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ों में हम टेरिडोफाइट्स को एक तरीके से लोअर क्रिप्टोगेम्स का सबसे हायर वर्जन मान रहे हैं, लेकिन दे कैन नॉट बियर फ्लोर फ्रूट एंड सीड्स। हायर्स के अंदर हम दो कैटेगरीज बांट देते हैं, फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, दोनों सीड्स बियर करते हैं, लेकिन इनकी सीड्स की हम बात करें तो दीज सीड्स आर नेक्ड, एक तरीके से एम्ब्रियो सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं हो सकता, और इसको तुरंत क्या होता है जर्मिनेट होना होता है, ठीक है, ओवोविपेरी प्लांट के ऊपर ही पुष्प के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें तो उसके अंदर एक तरीके से सस्पेंडेड फॉर्म में एम्ब्रियो डेवलप होता है, या हम बात कर सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो इसकी क्या होती है सस्पेंडेड होती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस की लाइफ साइकिल में प्लांट्स के,
डेवलपमेंट हम इसका कहाँ से माने? डेवलपमेंट अगर अपन एम्ब्रियो से करना शुरू करते हैं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में फर्स्ट यहाँ पे हम इसके यूनिक फीचर में लाइफ साइकिल को ही ले लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहला जो है वो हम स्पोरोफाइट पे ना जाकर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से फर्स्ट गैमिट प्रोडक्शन के ऊपर, और वो गैमिट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, फ्लोरिंग ऑर्गन्स में, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं गैमिट्स, और गैमिट्स के फ्यूजन से यहाँ पे क्या बनता है, जायगॉट। तो यहाँ पे प्रारंभ अगर अपन जहां से भी करना चाहे, चाहे स्पोरोफिटिक से कीजिए या गैमेटोफाइट से कीजिए, तो यहां पे अपन प्रारंभ कहां से कर रहे हैं, एक तरीके से एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो फर्स्ट डेवलपमेंट सेल, या एक तरीके से फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। क्लियर है? अगर एम्ब्रियो की हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो हुआ कैसे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ फीमेल गैमेट, ठीक है, प्लस मेल गैमेट। फीमेल गैमेट इज एग सेल, और ये कहां डेवलप हुई, ओवरी में या कार्पल्स में। मेल की बात करें तो ये कहां डेवलप हुए, एंथर्स में, एंड नॉन एज पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, तो इनके फ्यूज होने से पहले जो संपूर्ण घटना है, जो कि पॉलन को एप्रोप्रिएट स्टिग्मा तक पहुंचने, फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन। ठीक है, जो कि यूनिक फीचर है एनिमल्स की तुलना में, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स जो हायर्स की बात कर रहे हैं, हायर्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन है वो इनविट्रो है अंदर, जबकि लोअर की बात अगर अपन बात कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स की, तो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रूप में उनमें पाया जाता है। तो यहाँ अगर अपन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल की अलग अलग स्ट्रेटर्जीज अपनाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ पे दो बेसिक पॉलिनेशन स्ट्रेटर्जीज हैं। पॉलिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड पॉइंट जो यहां पे अपन ले सकते हैं वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक कैटेगरी और डाल देते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस पॉलेंस आर एबल या ट्रांसपोर्ट टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा। ठीक है, और वहां पे पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, दे कैन बी एबल टू जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने के बाद वो जो पॉलन ट्यूब को डेवलप करते हैं, पॉलन ट्यूब पेनेट्रेट द स्टिग्मा एंड पास थ्रू द स्टाइल, और स्टाइल से कहां पहुंचते हैं वो, ओव्यूल तक, और ओव्यूल के अंदर वहां पे उपस्थित है ये हो गई तीन एंटीबॉडियन सेल्स, दीज आर पोलर, वो क्या बोलते हैं, डाइपोड सेल्स, ये हो गई एग सेल, और ये हो गई सिनर्जिडियल सेल्स। दैट इज एनाट्रोपस, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये हो गया माइक्रो पाइल। तो पॉलन ट्यूब के अंदर ये इस तरीके से, ये दैट इज ओवरी कार्पल, ये हो गया फ्लोवर की ओवरी, और ये यहां पे हो गया स्टिग्मा, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, तो पॉलन जो ग्रेन्स यहां पे आ रहे हैं वो यहां पे डेवलप कर रहे हैं पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब जो है वो तीन रस्तों से आती हुई माइक्रोपाइल से क्या करती है, अंदर की तरफ पहुंचती है। तो ये जो पॉलन ट्यूब डेवलप हो रही है, दैट इज एग्जेन,
ये हो गया इंटाइन, ठीक है, और ये हो गया उसका पूरा फ्लूड। इस फ्लूड में तीन टाइप के केंद्रक है, एक केंद्रक जिसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और दो केंद्रक होते हैं जो कि बाद में डेवलप होते हैं नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान, दीज आर मेल न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब बन रही है। पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये सारी चीज। तो ऐसे में पॉलन ट्यूब जो है वो पेनिट्रेट करती हुई बाई स्टाइल कहाँ पहुंचती है, ओव्यूल में। तीन टाइप से होती है, दैट इज स्पोरोगैमी, अगर ये चलाजल एंड से प्रवेश करती है दैट इज चलाजोगैमी, और अगर ये इंटेगुमेंट लेयर को तोड़ के बीच में आती है दैट इज मीजोगैमी, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेल्स हो गई या जो न्यूक्लियस हो गए वो अलग हो गए हमारे पास में, दीज आर एंटी पोडियल, ठीक है। यहां की अगर अपन बात करें तो ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यहां अगर अपन बात करें तो दीज आर सिनर्जिड्स, और ये हो गया एग सेल, ठीक है, और ये कंप्लीट होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में। तो यहां पे जो एनाट्रोपिस फ्लोर की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर इस टाइप से पूरा का पूरा पहुंचना, दैट इज पॉलिनेशन। अब पहुंचने के बाद यहां पे दो न्यूक्लियस है, एक मेल न्यूक्लियस, सेकंड मेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रथम मेल न्यूक्लियस जो है वो किससे ऐड होता है, फीमेल एग सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, दे आर एबल टू पैसेज द पॉलन ट्यूब या पेनिट्रेट द पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, वो पैसेज प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। तो इन सारी चीजों में जब ये पेनिट्रेट करके इसको जाता है तो सिनर्जिड सेल्स जो है वो डैमेज होती हैं और पोषण प्रदान करती हैं, और दूसरा न्यूक्लियस जो है बाई एमिबॉइड मूवमेंट ये कहाँ पहुँचता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस पे, और ये पहले से 2N होता है और जुड़ जाता है N के साथ, ये पहले से N होता है और जुड़ जाता है N के साथ। तो जो जायगोट है तो यहाँ पे अगर मेल एग से जुड़ता है तो दे कैन कोड जायगोट, वो क्या बना लेते हैं, जायगोट बना लेते हैं, जबकि दूसरा जो है वो यहाँ पे क्या बनाता है, इसमें कौन कौन से जुड़ गया, इसमें जुड़ गया फीमेल प्लस मेल गैमिट्स, दे कैन परफॉर्म जायगोट। लेकिन दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है प्रोसेस उसके अंदर है पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियस, प्लस मेल न्यूक्लियस, दे कैन परफॉर्म, क्या बना रहे हैं वो यहां पे, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष, और उसी भ्रूण पोष के अंदर एम्ब्रियो जो है उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, पोषण के लिए, रक्षा के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एनजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रही है, प्रथम फर्टिलाइजेशन में फीमेल एग के साथ और सेकंड फर्टिलाइजेशन में फीमेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो पहले से 2N है, ठीक है। तो एक तरीके से जो एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा दिया है, दैट प्रोसेस या जो सिस्टम है ये किसका है, पॉलीगैनस टाइप का है, पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें कंप्लीट हो गया, अब यहां पे क्या बन गया है, जायगोट। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर डेवलपमेंट में जायगोट से, चाहे एनिमल्स का ले लीजिए चाहे प्लांट्स का ले लीजिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो हमारा यहीं पर क्लियर हो जाएगा। इन प्लांट्स यहां पे हम समझा देंगे किसमें, इन एनिमल्स,
प्लांट्स के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो हो रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, दैट इज जायगोटिक सेल। दैट इज टू एन न्यूक्लियस। आगे बढ़िए, इसमें फर्दर एक डिवीजन हो रहा है, कौन सा, ट्रांसवर्स। और इस ट्रांसवर्स डिवीजन की बदौलत दो सेल्स बन रही हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं एपिकल, एक को हम नाम दे रहे हैं बेसल, बेसल सेल, ठीक है। और ये हो गया एपिकल, ठीक है। बेसल सेल किधर की तरफ है, माइक्रोपाइल की ओर, माइक्रो पाइल एंड की ओर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनमें जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एपिकल सेल में जो डिवीजन हो रहा है वो तो हो रहा है लॉन्गिट्यूडल, बेसल सेल जो है उसमें डिवीजन हो रहा है कौन सा, ट्रांसवर्स, ठीक है, एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल। इसके बदौलत यहाँ पे क्या होगा, एपिकल सेल जो है उसमें दो सेल्स का डिवीजन होगा, ये हो गया, और जो बेसल सेल है उसके अंदर डिवीजन होगा कौन सा, अनुप्रस्थ, और इस अनुप्रस्थ डिवीजन की वजह से यहाँ पे ये सेल जो है वो हमको दिखाई देगी। क्लियर, यहां अगर अपन बात करें तो दैट इज एम्ब्रियोनिक सेल, ये हो गया सस्पेंसर, और ये हो गया कौन सा, वेसिकल, सस्पेंसर इनिशियल। नेक्स्ट डायग्राम, अब इसी के अंदर पर्टिकुलर और डिवीजन होंगे, इसमें होंगे ट्रांसवर्स और इसमें वापस वही वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडल, और ये सेल जो है ये हमें चार के रूप में दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगातार विभाजन, इससे सस्पेंसर सेल जो है वो अनेक कोशिकीय हो जाती है। अब इसमें क्या एक्चुअली में हमको एक ही डिवीजन दिख रहा है, ये बिल्कुल प्लेन में है, लॉन्गिट्यूडल प्लेन में, जैसे कि एप्पल को हम ऊपर से एक काटें और फिर उसी लॉन्गिट्यूडल के 90 डिग्री पे हम दूसरा काटें तो लंबाई में चार टुकड़े हो जाते हैं एप्पल के, क्लियर है। तो ऐसे में हमको केवल एक ही प्लेन दिखेगा, दूसरा प्लेन नहीं दिखेगा। अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखने पर हमको एक एक्सिस तो ये हो ही गया, दूसरा एक्सिस उसी के 90 डिग्री पे है। तो इस प्रकार इसमें चार सेल्स बन चुकी हैं, एक दो और चार न्यूक्लियस दिखा देता हूं जो कि पीछे की तरफ है, दिखाई नहीं दे रही, क्लियर है। दैट पोजीशन इज नोन एज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुष्क। इसके बाद एप्पल को हमने यूं काटा स्टैंडिंग, अब उसके अंदर एक कट और लगेगा ट्रांसवर्स, उसको हमने बीच में से भी काट दिया, तो चार कोशिका ऊपर और चार कोशिकीय टायर जो है वो नीचे, चार कोशिकीय, दैट इज ऑक्टेंट स्टेज। और ऑक्टेंट स्टेज में क्या आ रहा है, ये हो गई चार कोशिकाएं, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, तो ये हमारे पास कितना हो गया, क्वाड्रेंट, दो आगे दिख रही हैं, दो इसके पीछे हैं, दैट इज क्वाड्रेंट स्टेज। और उसी दौरान यहाँ की जो लोअर सेल है, सस्पेंसर की सबसे अंतिम कोशिका जो कि किधर की तरफ है, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ है, दैट इज हाइपो
हाइपोफाइसिस, और ये यहाँ पे डिवाइड होके सेल्स बनाती है कितना, चार, और वही हाइपोफाइसिस यहाँ पे डिवाइड होके कितनी बनाती है, आठ सेल्स। तो हमारे पास में दो सेल्स हैं, ऊपर की तरफ भी आठ सेल्स और नीचे की तरफ भी आठ सेल्स, ठीक है। और फाइनल स्टेज में आते हैं, दैट इज सस्पेंसर, और डेवलपमेंट स्टेज में यहाँ पे अब जो सेल्स हैं उनमें वापस एक विभाजन और हो रहा है, कौन सा वाला, ये देखिएगा। अभी जो मैंने गोले से दिखाया आपको, पहला विभाजन तो हो गया ये, दूसरा विभाजन हो गया ये, और ये दोनों के दोनों कैसे थे, तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य, ठीक है। और इन सारे विभाजन के बाद में विभाजन हो गया ये, इसकी वजह से चार कोशिकाएं ऊपर, चार कोशिकाएं नीचे। अब अंदर की तरफ ही अगर हम सेंट्रल पोर्शन को छोड़ते हुए एक तिर्यक विभाजन करते, वो भी कौन सा, लॉन्गिट्यूडल, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूडल की वजह से दो सेल्स बनती हैं, एक बनती है बाहर की और एक बनती है अंदर की ओर, एपी एंड, क्या बोलते हैं, एंडो, एक्जो और एंडो बोल सकते हैं, एपी और हाइपो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एपी या एंडो, एक्जो और एंडो, और एक विभाजन और कर दीजिए जिसकी वजह से तीन टाइप के सेल्स बन गई, एपी, मीजो और एंडो। ठीक है, तो हमारे पास में तीन लेयर्स होगी सेम इसी की तरीके से, दैट इज फर्स्ट डर्मेटोजन, ठीक है। दूसरी सेल हमारे पास कौन सी होगी, पेरिबेलम, और तीसरी सेल हमारे पास कौन सी होगी, प्लीरोम। यही तीनों लेयर, एक दो और तीन। डर्मल की, डर्मेटोजन की बात करें तो दैट इज क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डर्मिस, एपिडर्मिस टाइप सेल्स आउटर लेयर के रूप में, ठीक है। और वहीं अगर अपन पेरिबेलम की बात करते हैं तो ये यहां पे कोड करती है किसको, ग्राउंड मेरिस्टम को, ग्राउंड मेरिस्टम, ठीक है। और प्लीरोम की हम बात करें तो दैट इज प्रोकैम्बियम, क्लियर है। डर्मस बनाती है एपिडर्मिस टाइप को, ग्राउंड मेरिस्टम की हम बात करें तो ये ग्राउंड सब्सटेंस को बनाती है, लाइक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ, ये सारी सारी चीज़ें इसी से। वहीं अगर अपन बात करें मोनोकॉट्स की तो उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर साइकिल या अप्रोप्रिएट रीजन्स उसके अंदर नहीं मिल रहे, वहाँ पे सब कुछ एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के रूप में, और उसी के अंदर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो बिखरी हुई पोजीशन के ऊपर होते हैं। कुछ ग्रेमिनिकोल के अंदर एग्जाम्पल्स ऐसे भी जिनके बीच में सेंट्रल पार्ट जो है वो पित एबसेंट होता है और वहाँ से वो कैसा होता है, खोखला। जैसे कि अगर अपन बात करें लाइक गेहूँ, बांस, बैम्बू, इनकी बात करें तो इनके अंदर इसी टाइप का ये खोखला मिलता है। वहीं अगर अपन मक्का के एग्जांपल लें तो वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वैस्कुलर रिंग्स पाई जाती हैं, वैस्कुलर सिस्टम्स अनियमित, अनिश्चित, लेकिन बिखरे हुए नहीं होते, एक रिंग्स के रूप में होते हैं लेकिन होते भरण ऊतक में। प्रोकैम्बियम जो है वो कोड करती है प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स को और सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी फिर जो है वो कोड करती है कौन सी, वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा, सेकेंडरी डिवीजन। तो ये सेल्स हमारे यहाँ पे कोड हो चुकी हैं। इसके बाद में एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट स्टेज में आता है, दैट स्टेज इज नॉन एज हार्ड शेप, सेम यही स्टेज है जिसमें ये यहां पे डेवलप होते हैं, दैट इज द कॉटिलिडन इनिशियल्स, ये हो गया हमारे एक तरीके से शूट अपेक्स या प्यूम्यूल, और ये डेवलप कौन सा, हाइपोफाइसिस सेल्स जो हैं वो यहाँ पे डेवलप करती हैं किसको, रेडिक्यूल, दैट इज नॉन एज हाइपोकोटाइल, और ये कौन सा हो गया, दैट इज प्लूम्यूल, और ये हो गया कोटाइल इनिशियल या कॉटिलिडन इनिशियल। ठीक है,
दैट इज हार्ट शेप, ये हो गया क्वाड्रेंट ऑक्टेंट और ये हो गया कौन सा हार्ट शेप। नेक्स्ट यहां ऊपर बना देता हूं, इसको मिटा देते हैं। इसी स्टेज को आगे लेके चलें तो हमारी स्टेज कैसे हो जाती है, ये हो गया सस्पेंसर सेल्स और सस्पेंसर सेल्स के अंदर ये डेवलप हो गया ए और ये धीरे धीरे जो है वो कर्व या बैंड के रूप में टेढ़ा होने लगता है। दैट इज प्यूम्यूल, ये हो गया एपिकोटाइल, ये हो गया हाइपोकोटाइल, ठीक है, एंड दीज आर कॉटिलीडन्स। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसको स्ट्रक्चर को उसी से मिलाइए, उसी से मिलाने पे देखें तो जो ही फर्टिलाइजेशन होता है जो एंटीपोडियल सेल्स हैं वो कंप्लीट, ठीक है, जो सेल्स थी सेकेंडरी न्यूक्लियस वो कन्वर्ट हो गए किसमें, एंडोस्पर्म में, और वो एक पोषण का कार्य कर रहा है दो टाइप के, सेंट्रल या सेलुलर टाइप में, और यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे सबसे पहले कौन सी सेल मिली जो अभी मैंने मिटा दी, जायगोटिक सेल। ये सारे के सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, माइक्रोपाइल अब सील्ड हो चुका है और इस स्टेज में आते ही यहाँ पे क्या डेवलप हो गई, दैट इज जायगोट सेल। ये जायगोट सेल सबसे पहले दो विभाजन करती है, ये हो गया एपिकल और ये हो गया बेसल, ठीक है। बेसल सेल विभाजन कर रही है और क्या बना रही है, वेसिकल और सस्पेंसर, जबकि एपिकल सेल डिवाइड हो रही है किसमें, क्वाड्रेंट देन ऑक्टेंट देन हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो ये यहाँ पे डेवलप हो गया इसी सेल से, ये हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो इसमें डेवलप हो रहा है ओव्यूल में, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेज आती है ये, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो कोटिलीडन्स के हम इनिशियल बोल रहे थे तो ये अपने आकार में वृद्धि कर रहा है और सस्पेंसर के भी वृद्धि करने से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर जाके चलाजल एंड से टकरा रहा है क्योंकि एंडोस्पर्म है इसमें, तो ये धीरे धीरे सीधे जाने की जगह अब फाइनली क्या होगा, अपना जो एम्ब्रियो एक्सेस है उससे कर्व हो जाएगा, मुड़ेगा क्योंकि इसमें स्थान नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, कर्व धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है ढंग से देखिए, यहाँ पे दैट इज प्यूम्यूल, ये हो गया एपिकोटाइल, ये हो गया हाइपोकोटाइल, ये डेवलप करता है प्यूम्यूल को, ये डेवलप कर रहा है किसको, रेडिक्यूल को। ये बीच की जो सेल्स थी ये रही, ये बीच वाली सेल्स यहां पे किसको कोड कर रही है, प्रोकैम्बियम, ठीक है, और ये जो साइड वाली सेल्स है ये किसको कोड कर रही है, ग्राउंड टिश्यू या मेरिस्टम, क्योंकि एम्ब्रियो ही एक ऐसी कोशिका अवस्था होती है जिसकी हर कोशिका मैस्मेटिक होती है, विभाजनशील होती है या विभिजोतक होती है, ठीक है। और ये बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं ये कौन सी हो गई, डर्मेटोजन, और ये हो गया कॉटिलीडन।
ठीक है, और ये कंप्लीट, दैट इज सस्पेंसर। नेक्स्ट डायग्राम में इसका फुल डायग्राम बन जाएगा, और फुल डायग्राम के अंदर ये जो एक्सिस है एम्ब्रियो एक्सिस उसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। वही दैट इज प्रोकैम्बियम, ये हो गया प्यूम्यूल, ये हाइपोकोटाइल, और इस हाइपोकोटाइल में क्या क्या है, इस हाइपोकोटाइल में ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है दैट इज रूट कैप इनिशियल, और ये है रूट सेल्स, ठीक है, ये हो गया प्रोकैम्बियम, और ये हो गया एपी कोटाइल, दैट इज कॉटी लीडन्स, और ये हो गया सस्पेंसर, दैट इज सस्पेंसर। तो ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो के रूप में हमारे सामने है। यही हमारे पास में दो चेंजेस हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के समान, एक है मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो की अगर अपन बात करें तो हार्ड शेप तक तो सेम सेम है, या यहां तक सेम मान लेते हैं, इसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में दैट इज सस्पेंसर, और ये वही राउंड इन शेप, धीरे धीरे राउंड इन शेप जो है वो डेवलप होने लगता है किसके अंदर, एक ढक्कन नुमा, और ये कैसा हो जाता है इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड, और इलोंगेटेड के साथ में कैसा हो जाता है डम्बल आकार, ये बीच में डम्बल जैसा, ठीक है, और इस डम्बल आकार के साथ में जो यहाँ पोजिशन है बीच में क्या डेवलप होती है, इसमें खांच, लेटरली खांच, जिसपे कुछ विशेष संरचनाएं डेवलप होती हैं, दैट इज। तो यहाँ अगर अपन इसकी संरचना को, कई बार सीधे आपने बुक में देखा होगा तो कन्फ्यूज नहीं होना, एक्चुअली पोजिशन तो यही है, बाकी इसमें अगर अपन कहें तो दैट इज सस्पेंसर, और ये डेवलप हो गया इसके अंदर कॉटिलीडन, ये इस टाइप से होता है एम्ब्रियो, क्योंकि दीज आर मोनोकॉटिलीडन्स, तो उसमें कॉटिलीडन्स डाई नहीं होते, बाकी तो डेवलपमेंट सेम सेम सा ही होता है, ठीक है। तो इस संरचना की अगर अपन बात करें तो दैट इज प्यूम्यूल, ठीक है, और इस प्यूम्यूल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसको कॉटिलीडियंस जो है, एक विशेष पत्रक, बीज पत्रक जो है वो, सॉरी हाँ, बीज पत्रक जो है उसको क्या करता है, ढके रहता है ढक्कन के रूप में, दैट इज कॉटिलीडन। ये हो गया कॉटिलीडन, ये हो गया सस्पेंसर, ठीक है, और यहां पे ये संरचना हो गई एपी कोटाइल, ये संरचना हो गई हाइपो कोटाइल, ठीक है, और ये हो गया रूट कैप और रूट इनिशियल सेल्स, कंप्लीट दैट इज प्लूम्यूल। तो ये हो गया किसका, मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलीडन्स का डेवलपमेंट, किसका एम्ब्रियो का, और यहाँ ये सीड के अंदर क्या रहते हैं, क्लोज आवृत कंडीशन में, एप्रोप्रिएट
मौसम आने पर ये वापस क्या होते हैं, बाय इम्बिबिशन अंतः श्वसन द्वारा जल अवशोषण करेंगे, एंजाइम सक्रिय जो रिजर्व फूड मटेरियल से कन्वर्ट, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो एपिकोटाइल है ये डेवलप करती है किसको, प्यूम्यूल को, जो कि डेवलप करती है किसको, शूट अपेक्स को, और हाइपोकोटाइल जो है वो कंप्लीट करती है किसको, रेडिक्यूल को, जो कि डेवलप करती है किसको, रूट अपेक्स को, और ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप करते हैं होल प्लांट को। तो ये प्लांट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट था, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। हालांकि पहली कोशिका की बात करें तो पहली कोशिका कौन सी है, जायगोट। ठीक है, और जायगोट में ही फर्दर डिवीजन से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। तो यहां पे सिंपल, लेकिन अब यही चीज जब तुलना करें किससे, एनिमल डेवलपमेंट से, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन पैरेलली दो हैं, एक है एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट डिफरेंस, और एक आ रहा है यूनिक फीचर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। तो अगर हम दोनों को तुलनात्मक रूप से लेके चले तो हमारी दोनों की नॉलेज भी बढ़ेगी, प्लस दोनों के डिफरेंस और दोनों की समानता है जो है सिमिलरिटीज, वो भी हमारा इस टॉपिक में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा है केवल और केवल प्लांट का एम्ब्रियो। ठीक है, सेकेंड हम यहां पर पढ़ते हैं प्लांट एम्ब्रियो के साथ में अब एनिमल एम्ब्रियो। एनिमल एम्ब्रियो को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर्स के रूप में अगर समझें तो पहली अवस्था जो हमने पढ़ी थी मेल फीमेल गैमेट देन दे कैन फ्यूज, तो वहाँ पे सबसे पहले एक प्रोसेसिंग हुई थी, दैट इज पॉलिनेशन। तो एनिमल्स के अंदर पॉलिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज दीज आर मोटाइल। तो ऐसे में मेल एंड फीमेल जो है उनके बीच में जो प्रोसेस है दैट नॉन एज मैटिंग। ठीक है, और वो मेट ईच अदर, अब उनके अलग फिरोमोन्स अलग स्ट्रेटर्जीज वो यूज में लेते हैं, लेकिन वो अपने पोलेंस को हवा में या पानी में या किसी जंतुओं के ऊपर सीक्रेट नहीं करते। दे कैन स्प्रेड देयर स्पर्म इनटू द फीमेल वजाइना। क्लियर है, तो ऐसे में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो मेटिंग प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट हो रही है, और वो नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स सबके द्वारा होते हैं। अगर अपन यहाँ पे पिसीज की बात कर रहे हैं तो पिसीज के अंदर जरूर उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, कुछ रेप्टाइल्स है जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ अलग प्रोसेस है, तो वो एक पॉलिनेशन टाइप की स्ट्रेटर्जी है, लेकिन वो अलग है। उसके अंदर वो वाटर के अंदर एक तरीके से हाइड्रोफिली टाइप की रिएक्शंस के रूप में, तो उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद में उनमें भी बनता है जायगोट। तो जायगोट रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। अब उसके बाद वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बहुत कुछ चेंजेज हैं, जैसे कि वहाँ पे फर्स्ट डेवलपमेंट जो होता है उसको हम क्लीवेज, यहाँ पे होता है डिवीजन, सेपरेट नहीं होती, वहाँ पे जो सेल्स हो रही हैं वो होती है क्लीवेज, और उसके क्लीवेज एक्चुअली में डिवीजन ही है, उसके डिवीजन से वहाँ पे भी सेल्स डेवलप होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑक्टेंट एंड हर्ड शेप संरचनाएं बन रही हैं, और तीन टाइप की सेल्स बन रही हैं, तीन टाइप की इनिशियल सेल्स, एक डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड प्लीरोम। अगर अपन इसको स्टेम के रूप में बात करें तो स्टेम में हम इसको बोलते हैं ट्यूनिका एंड कॉर्पस। ठीक है, एपिकल। उसके अलावा अगर पोजिशन की बात करें तो हम तीन सेल्स बोल देते हैं, फर्स्ट इज एपिकल सेल्स या एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड जो है वो सेंट्रल केंद्र में आ जाता है जो दिखाई नहीं था, दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टम, और एक जो बाहर से उसको ढक लेता है दैट इज लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो इन्हीं से हम अलग अलग कोशिका या उत्कों के विभाजन और विभेदन को प्रेरित मानते हैं। लेकिन अगर हम जंतुओं में आते हैं तो जंतुओं में इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कई स्टेजेस होती हैं, ये एक मिटा देता हूँ, दो चार शब्द लिख लेते हैं फिर समझेंगे अगली क्लास में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज फीमेल प्लस मेल गैमिट, उससे होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जायगोट, जायगोट में फर्दर डिवीजन, सस्पेंशन नहीं होगा, सीधे डेवलपमेंट, उसमें होता है क्लीवेज, क्लीवेज से फर्दर सेल्स बनेंगी और सेल्स बनेंगी वो बनाएंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन द्वारा। तो फर्स्ट स्टेज जो आएगी वो है मोरूला। ठीक है, मोरूला के लिए हम कह सकते हैं कि क्लीवेज की वजह से ये कोशिकीय संरचना, ठीक है, जिसमें ये भी नहीं, ये वाली कोशिकीय संरचना जिसमें अभी तक कोशिकाएं ज्यादा डिवाइड नहीं है लेकिन ठोस संरचना के रूप में वहां पे माइटोटिक डिवीजन द्वारा क्या बन रही है, मोरूला। मोरूला के बाद में आता है गैस्ट्रूला।
गैस्ट्रोला, दैट प्रोसेस इज नॉन एज गैस्ट्रोलेशन। उसमें क्या हो रहा है कि कोशिकियाँ केवल बट रही हैं, अपने यहाँ पे क्या हो रही है, क्वाड्रेंट में गई, फिर ऑक्टेंट में गई, देन यहाँ पे आ रही है, उसके अंदर चार, चार के बाद फिर क्या बोलता है, दैट इज मोरूला, ठोस, ठीक है। और इस ठोस पिंड के बाद में क्या हो रहा है, गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला में क्या हो रही है, सारी सेल्स जो है वो परिधि की ओर चली जाती है, जैसे कि वॉल्वॉक्स में, और सेंट्रल पार्ट कैसा हो जाता है, होला, जो होलो मतलब खोखला, जिसके अंदर फ्लूड भरा हुआ होता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज गैस्ट्रोलेशन। और फिर इसके बाद में जैसे अपने यहाँ डिवीजन हो रहा है, इसके अंदर डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से तीन परमानेंट या स्पेशल लेयर्स डिवाइड होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म सबसे भाई है, मेजोडर्म जो बीच में है, और एंडोडर्म जो सबसे अंदर है। और जंतुओं के उत्पन्न या परिवर्धन के अंदर इन तीनों लेयर्स का ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। यही कारण है कि पादप के अंदर टोटिपोटेंट कैरेक्टर है, जबकि जंतुओं में टोटिपोटेंट कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि जंतुओं के विशिष्ट ऑर्गन इस एक लेयर के ही डिफ्रेंशिएशन से बने हैं, अर्थात इस लेयर के बने हुए ऑर्गन को दूसरी लेयर के डिफ्रेंशिएशन से जज नहीं कर सकते या डिफ्रेंशिएट नहीं करवाया जा सकता। यही कारण है कि हम टोटिपोटेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर रीजनरेशन किसी जंतु कोशिका में करते हैं, टिश्यू में, तो हम जिस टिश्यू या जिस ऑर्गन का करते हैं, केवल हम उस ऑर्गन या उस टिश्यू के ही कैलस को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी के डर्मल सेल्स जो हैं उनके नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम एक सेल से कंप्लीट ऑर्गन या कंप्लीट जो बॉडी है उसको रीजनरेट कर नहीं सकते। तो गैस्ट्रोलेशन से जो तीनों लेयर्स बनती है, उसमें जैसे एक्टोडर्म है वो डेवलप करती है स्किन, नर्वस सिस्टम, वहीं मेजोडर्म जो है वो करती है एक तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स, गट्स आदि, और जो मेजोडर्म है वो मस्कुलर ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा डेवलप करती है, जिसमें आ जाती है लाइक जैसे किडनी, क्या बोलते हैं, लंग्स, हार्ट एंड मसल्स एंड हाँ काफ़ी है, ब्रेन, ये सारे के सारे जो डेवलप होते हैं ये किससे हो रहे हैं, मेजोडर्म से। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर जो है वो बाइफर्केट होता है। अब आफ्टर एम्ब्रियो अब हम यहाँ पे डेवलप करेंगे इसके सीड एपिकल मेरिस्टम। तो मेरिस्टम के रूप में, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्य ऑर्गन बन रहे हैं, स्टेम एंड रूट, एनिमल्स में ऐसा अभाव है, उसमें तो डेवलप पूरा का पूरा ऑर्गन एक साथ हो जाता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता रहता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद। फर्स्ट जब सीड जर्मिनेशन होगा तो उसमें रेडिक्यूल एंड प्यूबुल्स का डेवलपमेंट, तो रेडिक्यूल डेवलप करेगा रूट्स को, दीज आर जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपीज, वहीं प्यूमोल जो है वो डेवलप करेगा शूट को, देज आर नेगेटिव जियोट्रॉपीज एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपीज। तो ऐसे में ये दोनों ऑर्गन डेवलप करेंगे, फिर उनका फर्दर डेवलपमेंट, जिसमें हमारी तीनों सेल्स आएंगी, कौन सी, डर्मेटोजन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड प्रोकैम्बियम, इनकी वजह से प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे, एपिडर्मिस, मेरिस्टम, सॉरी मेरिस्टम नहीं, एपिडर्मिस, फिर हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, पिथतक, और फिर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम सिस्टम। ये कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।